हेलो दोस्तों, श्री गणेश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटर मखाना की सब्ज़ी। पहली वीडियो में मैंने आपको बनाने सिखाए थे मखाना खीर, मखाना नमकीन और मखाना रायता। सो चलिए देखिए, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने एक कटोरी ये भरकर मखानों की ली है। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मसालों में से मैंने लिया है एक छोटी चम्मच साबुत जीरा लिया है और करी लीव लिए है दो तीन, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक टमाटर लिया है उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक छोटी चम्मच मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक लिया है छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार भी ले सकते हो, हल्दी पाउडर लिया है एक छोटी चम्मच, एक हरी मिर्ची को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और लाल मिर्ची का पाउडर भी एक छोटी चम्मच लिया है, गरम मसाला लिया है एक चौथाई चम्मच और कुछ मैंने मटर के दाने लिए एक छोटी कटोरी, ये मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है। इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन को गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इन फूल मखानों को इसमें डालकर दो तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो एक चम्मच घी का भी डाल सकती हो, लेकिन मैं बिना घी के रोस्ट कर रही हूँ। गैस की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम आंच पर ही इसे रोस्ट करना है तीन चार मिनट के लिए। देखिए लगातार चलाते हुए ही इसे हमें रोस्ट करना है। देखिए मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए मखानों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, वापस दोबारा इस पैन में दो चम्मच तेल के डाल देंगे। मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। इसे हल्का सा गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें ये साबुत जीरा और करी लीव भी डाल देंगे, इसे भी हल्का सा भूनेंगे। देखिए ये हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, इसे भी हल्का सा भूनेंगे। और साथ में ये हरी मिर्ची भी डाल देते हैं और नमक भी और ये अदरक लहसुन की पेस्ट भी। इसे हम दो तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए प्याज हमारा हल्का सा भून चुका है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में लाल मिर्ची पाउडर भी, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में ये कटे हुए टमाटर भी, इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा सा पकाएंगे, बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। देखिए मसाले को बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाते। देखिए टमाटर हमारे काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें मटर के दाने भी डाल देते हैं, साथ में गर्म मसाला और धनिया पाउडर, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हल्का सा इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि हमारे मटर के दाने अच्छी तरह से गल जाए। देखिए मसाले को चेक कर लेते हैं और मटर भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने मखानों को रोस्ट किया था उसमें से मैंने थोड़े मखाने लिए और मिक्सी में डालकर उसका बारीक पाउडर बना लिया है, इसे भी हम इस मसाले में डाल देते हैं और साथ में इन मखानों को भी, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी का डाल देंगे और इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कुछ धनिया पत्ती भी डाल देते हैं, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मैंने ये फूल मखाने की सब्जी ग्रेवी वाली बनाई है, आप चाहे तो बिना ग्रेवी के भी बना सकते हो। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए फूल मखाना मटर की सब्जी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और खाइएगा। और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।